सुप्रभातम। इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2022, जो अभी नवंबर की वार्षिक परीक्षा हुई है, उस वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और इस क्लास में जो 100 ऑब्जेक्टिव 2022 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, उसे हम आप लोगों को बताएंगे, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है, और टेंथ के छात्रों के लिए भी, जो इसमें व्याकरण है, व्याकरण सम्मत प्रश्न ऐसे ही मैट्रिक परीक्षा तक आते हैं, इसलिए दोनों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसे आप आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और मैट्रिक परीक्षा में 100 में 100 पाने के लिए, संस्कृत विषय में खासकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब हम आ जाते हैं यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। यह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए उत्तर विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में रहेगा, उसमें से 50 जो हमको आएगा, उसका उत्तर ABCD में जो भी होगा, उस प्रश्न संख्या के सामने OMR सीट में वह गोला काला कर देंगे। ए उत्तर सही होगा ए, बी होगा बी, सी, डी इत्यादि, कोई एक ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर एक ही सही होता। आइए अब हम पहुंच गए प्रश्न संख्या 1 पर, और देर न करते हुए हम 100 प्रश्नों का आपको अध्ययन करा देते हैं। निर्गच्छति कह रहा है कि निर्गच्छति में कौन सी संधि है। एकदम आसान है, निह धन गच्छति क्या हो जाता है, निर्गच्छति, और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। संधि को मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, आप उस संधि प्रकरण को देख लीजिए, 3 या 4 वीडियो है, और उसमें पूरा संधि आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो हम लोग जानते हैं देव धन आलय, यानी ए अधन आ, किन किन वर्णों की संधि हुई है। वर्णों की संधि कैसे होती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण, जब दोनों आपस में मिलते हैं उन्हीं वर्णों की संधि होती है। तो देवालय देव और आलय आ, यानी अधन आ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, गणेश का विच्छेद क्या होगा। गणेश गणधन ईसह, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है, गणधन ईसह गणेश। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 4 पर, कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। पढ़ाया है मैंने स्वर व्यंजन और विसर्ग, यानी कितने भेद हो गए, 3, इसका सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न कहता है कि अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा, नहीं वर्ण बनेगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ धन ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही है, अ धन ई बराबर ए। आगे प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ममापि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मम धन अपि होगा, और मम धन अपि कहाँ है, ए ऑप्शन इसका, प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 में पहुंचते हैं, कहता है कि नास्ति, बड़ी संधि से प्रश्न लिया है, कह रहा है कि नास्ति किस संधि का उदाहरण है। तो न धन अस्ति, यहां जो है स्वर संधि हो रहा है, यानी 7 का जो है बी ऑप्शन हमारा सही है, 7 का बी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, और आगे जो है प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि च क्या है, च क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या अव्यय है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी, यानी च जो है अव्यय है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, 9 कह रहा है तत्र यास्याम यत्र धन प्राप्ति मृत्यु वा भविष्यति। इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं। अब इस वाक्य में खोजना है कि तत्र यास्याम यत्र धन प्राप्ति मृत्यु वा भविष्यति, तो 9, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, यानी बी, एक तत्र है यहाँ और एक यत्र है, ये दोनों ही क्या हैं,
अव्यय पद हैं और अव्यय पद ही पूछ रहा है कि इस वाक्य में कितने अव्यय पद हैं। अव्यय की परिभाषा बताया मैंने आप लोगों को, जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार शब्द परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं हैं, वो सभी अव्यय पद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है हमारा कि किस वाक्य में तदा अव्यय है, ए में है नहीं है बी में है, तदा एव अहम् है ना, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है, 10 का बी ऑप्शन सही है, तदा एव अहम् अपि आगमिष्यामि। फिर हम चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11, 11 कहता है कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं, तो उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं, ऋषियों के, यानी हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 12 में, 12 कहता है कि त्वमादिदेव पुरुष पुराण, यह श्लोक जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गीता, क्या हो जाएगा गीता, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। आ गए हम प्रश्न संख्या 13 पर, और 13 कहता है कि इस स्तुति पाठ में कितने पद्य हैं, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 पद्य हैं इस स्तुति पाठ, पहला पाठ है एकदम, और उस पाठ में कितने पद्य हैं, 5 पद्य हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है, वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मन, अप्राप्य मन असाह, यानी 14 का जो है हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 15 में, और 15 कहता है कि मानव का दुर्जय शत्रु कौन है, दुर्जय जिस पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा शत्रु कौन है, तो वह उस सही उत्तर होगा क्रोध, यानी इसका जो है 15 का डी ऑप्शन सही है। 16 कहता है कि संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, तो संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है वेद, उससे पहले कुछ भी नहीं। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाते हैं, ये कहता है कि सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यानी इसका जो है ए ऑप्शन सही है, 17 का ये सही है। 18 पर आ गए, और ये कहता है कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ के लेखक कौन है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 कहता हमारा कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया, किस नदी में स्नान किया, क्षिप्रा नदी में, बड़ी सुंदर पाठ है यह, और वो क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं, कौन, ब्राह्मण पुत्र, सी ऑप्शन सही है। 20 कहता है कि अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद में कांडों की संख्या है 20, प्रश्न संख्या भी 20 है, और इसका उत्तर भी क्या होगा, 20 होगा, अथर्ववेद में कितने कांड हैं, 20। 21 कहता हमारा कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, महाभारत से, इसका बी ऑप्शन सही है 21 का। फिर हम आ गए 22 में, और कहता है कि वयमपि अति साहसिका, किसका कथन है, हम लोग अत्यंत साहसी हैं, यह किसका कथन है, ब्राह्मण पुत्रों का, यानी 22 का भी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23 में आ जाते हैं, और 23 कहता है कि अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक पदी भाव समास, जब एक से अधिक पद आपस में विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, समास, यानी 23 का ये ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 24 में, और ये कहता है कि राजपुरुष पद में कौन सा समास है, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, और यहाँ कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष, यानी 24 का बी ऑप्शन सही है। 25 कहता है कि महादेव पद का विग्रह क्या होगा, महादेव, महान देव, यानी 25 का डी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न संख्या 26 में कहता है कि नीलम कमलम का समस्त पद कौन सा है, तो नीलम कमलम का समस्त पद क्या हो जाएगा, नील कमलम, और नील कमलम कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में, इसका भी जो है बी ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 27 कहता हमारा कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसके लिए मैंने समास प्रकरण में पढ़ाया आप लोगों को संख्या पूर्वे द्विगुह, यानी 27 का ए ऑप्शन सही है। 28 कहता है कि असिद्ध का विग्रह क्या होगा, असिद्ध न सिद्ध यदि असिद्ध, यानी 28 का भी ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। फिर हम आ गए 29 में और कहता है कि राष्ट्रस्य पतिः का समस्त पद क्या होगा, तो हो जाएगा राष्ट्रपति है, यानी 29 का सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए डी में सूर्याय किस शब्द का रूप है, सूर्याय किस शब्द का रूप है, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य, यानी इसका जो है 30 का बी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज में और यह है प्रश्न संख्या 31 और 31 कहता है कि गगने में कौन सी विभक्ति है, गगने में कौन सी विभक्ति है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी, यानी 31 का सी ऑप्शन सही है। 32 कहता है कि सा किस शब्द का रूप है, पढ़ाया मैंने ना सह सा और तत, तो यह किसका रूप है, तत का डी। फिर आ गए हम 33 में और 33 कहता है कि किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीया विभक्ति में ही चलता है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसका जो है ए ऑप्शन सही है। प्रथमा द्वितीया नपुंसक लिंग में दोनों ही एक समान होता है। आगे प्रश्न संख्या 34 में आ गए, कह रहा है गणेशा नाम किस विभक्ति का रूप है, गणेशा नाम, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन, यानी अभी विभक्ति पूछ रहा है सिर्फ षष्ठी लगाएंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है। 35 कहता है कि मुनि शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा है, मुनीश, और ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसका डी ऑप्शन सही है, 35 का जो है डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए, कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो पढ़ा हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40, यानी 36 का जो है सी ऑप्शन सही है। 37 कहता है कि संस्कृत शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे, आज, पढ़ा है मैंने ना अद्य संस्कृतस्य महत्वम कथयामि, आज, 37 का जो है बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 38 में, 38 कहता है कि कौन श्रेष्ठ वैयाकरण थे, तो कौन श्रेष्ठ वैयाकरण थे, पतंजलि, वरदराज, पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पढ़ाया मैंने, कौन श्रेष्ठ वैयाकरण है, पाणिनि, पाणिनि के समान दूसरा कोई वैयाकरण नहीं है, यानी इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अब आ गए 39 पर, ये कहता है कि आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में हैं, तो आचार विचार और भावनाएं जो हैं संस्कृत भाषा में हैं। 40 प्रश्न कहता है कि विरलम का जो है अर्थ क्या है, विरलम, 40 विरलम का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। 41 आ गए, कितने युवक शास्त्र पारंगत थे, तो 4 कुल थे और उनमें शास्त्र पारंगत कितने थे, 3, 41 का जो है बी ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम 42 में, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना पाठ किस ग्रंथ से संपादित है, पंचतंत्र से, 42 का भी बी ऑप्शन सही है। आ गए हम 43 में और ये कहता है कि स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, यह किस नाटक में वर्णित है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतल नाटक में वर्णित है, क्योंकि शकुंतला पहले वृक्षों को जल देती थी तत्पश्चात जल ग्रहण करती थी। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि सूर्य तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, बाणभट्ट ने सूर्य तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि जेठ की दोपहरी जो है कैसी होती है। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि ग्रीष्म के ताप से संतप्तों की रक्षा कौन करता है, गर्मी के ताप से संतप्तों की रक्षा कौन करता है, नदी, छाया, वृक्ष, सूर्य, कौन करता है, वृक्ष करता है, करता है ना,
पैंतालीस, पैंतालीस का सही उत्तर हो जाएगा बी वृक्ष, वृक्ष करता है। छियालीस कहता है कि अहो अस्माकम एकः चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। किसने कहा अहो अस्माकम एकः चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान, किसने कहा? तो इस पाठ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है और 46 का सही उत्तर हो जाएगा ज्येष्ठतर, जो उनमें सबसे बड़ा था उसी ने कहा था कि हम लोगों में यह चौथा जो है मूढ़ है, केवल इसके पास बुद्धि है, यह शास्त्र को नहीं जानता है। 47 कहता है कि अभिहितम का अर्थ क्या होगा? अभिहितम माने होता है कहा, अभिहितम मीन्स कहा, यानी 47 का बी ऑप्शन सही है। 48 कहता है कि ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते, अधकचरे ज्ञानी को। ब्रह्मा भी जो अधकचरा ज्ञानी है उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि किसकी दोस्ती दीन के पूर्वाहन की छाया की तरह होती है। पूर्वाहन अपराहन तो हम लोग समझते हैं, दिन का पहला जो अर्धभाग है वह क्या होता है पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का जो समय होता है वो कहलाता है अपराहन। तो पूर्वाहन की छाया की तरह दोस्ती किसकी होती है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन का, क्योंकि पूर्वाहन में छाया बहुत लंबी बनती है लेकिन धीरे धीरे दोपहर आते आते क्या हो जाती है, सिमट जाती है। वैसे ही दुर्जन से यदि दोस्ती करेंगे आप, बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे तो पहले तो प्रगाढ़ होगी लेकिन धीरे धीरे मिट जाती है। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं? तो बीच में ही छोड़ देने वाले लोग मध्यम हैं, 50 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 51 पर, और कहता है कि विद्यापत किस क्षेत्र की, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है विद्यापत? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा मिथिला, मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। 52 कहता है वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 53 कहता है कि विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन हैं? विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति रामचंद्र मल्लिक या भिखारी ठाकुर? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा रामचतुर मल्लिक। 54 कहता है कि मुसलमान लोग किस महीने में रोजा रखते हैं? मुसलमान लोग किस महीने में रोजा रखते हैं? रमजान के महीने में, और 54 का जो है ए ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 55 पर, कह रहा है कि रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व है? किसका? सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान? तो हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व है? हिंदू का। एकदम आसान प्रश्न है, सी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 56 पर, और 56 कहता है कि ग्राम्य जीवन अधिक सुखी कब था? ग्राम्य जीवन अधिक सुखी कब था? तो उत्तर हमारा हो जाएगा प्राचीन काल, 56 का सी ऑप्शन सही है। 57 कहता है कि हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? गांवों की, यानी 57 का डी ऑप्शन सही है। 58 कहता है कि तत्रत्याह का अर्थ क्या है? तत्रत्याह का अर्थ क्या है? तो अर्थ है वहां का, ए ऑप्शन सही है 58 का। फिर हम आ गए 59 पर, और कह रहा है कि रोजा भंग करने को क्या कहते हैं? तो रोजा भंग करने को कहते हैं इफ्तार, 59 का डी ऑप्शन सही है। 60 है प्रश्न हमारा कि डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है? 60 कहता है डोमकच कहाँ का लोक नृत्य है? भोजपुर जिला का, बिहार में भोजपुर जिला है, और उस भोजपुर जिले का डोमकच जो है लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 61 कहता है कि सूर्य तीर्थ देव किस जिला में है? तो किस जिला में है? औरंगाबाद। 61 का जो है ए ऑप्शन सही है।
बासठ कहता है क्रेतिर्यस्य सजीवति। इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा, तो भी मैंने बोल ही दिया इसको, क्रेतिर्यस्य सजीवति, सद यस जो है सदैव जीवित रहता है। तो 62 का सी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 63 में, और 63 कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने ले ग्रैंड को कब पराजित किया था। वीर कुंवर सिंह ने ले ग्रैंड जो अंग्रेज अधिकारी था उसको उन्होंने कब पराजित किया था, कब पराजित किया था, 23 अप्रैल 1858, यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही है। 64 कहता है कि मानव जीवन के संबंध में कौमारम यौवनम जरा, किसने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है। 64 का जो है ए ऑप्शन सही है। 65 कहता है कि देवः दिव्यः सज्जनाः च, इन शब्दों से किसने संबोधित किया, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। 65 का ए ऑप्शन सही है। 66 कहता है कि हम लोगों को क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्र से द्रोह करना अच्छी बात नहीं है। जहाँ का अन्न खाते हैं, जहाँ की भूमि से उपजे हुए अनाज को ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, सजीव हैं, उस राष्ट्र से द्रोह नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 67 कहता है कि कौन विवेक और धनंजय को प्राचार्य के कार्यालय में ले गए, कौन ले गए, वर्ग अध्यापक, यानी 67 का सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 68 में, कहता है विश्ववंदिता कौन है, तो मैंने पढ़ाया है विश्ववंदिता कौन है, चैप्टर का ही नाम है विश्ववंदिता वैशाली, कौन है, विश्ववंदिता वैशाली है, यानी 68 का जो है ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर 69 कहता है कि राजा विशाल कहाँ के राजा थे, तो हमारा सही उत्तर यहाँ भी क्या होगा, वैशाली, 69 का बी ऑप्शन सही है। 70 कहता आम्रपाली क्या थी, आम्रपालिका कला साधिका, आम्रपालिका क्या थी, कला साधिका थी। 70 का जो है डी ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न संख्या 71 पर आ गए हम लोग, और 71 कह रहा है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था है और युवावस्था है, उन दोनों के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता, किशोरावस्था, यानी 71 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 72 कहता है कि संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को, संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, विकृत करते हैं, बेकार बना देते हैं, उनके मन को जो है विचलित कर देते हैं। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, तो उस नदी का नाम है गंडक। 73 का जो है सी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 74 में, कहता है कि संस्कृत में कितने ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के बारे में मैंने बताया है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 5, इसका जो है ए ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम 75 में, और कहता है कि कौन शब्द आकारांत है, आकारांत का मतलब जिसके अंत में क्या है, आ है, जैसे गीता आकारांत है, आ अंत में जिसके है वह आकारांत हो गया। अब साधु क्या है, उकारांत है, मुनि ईकारांत है, गज अकारांत है, इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि कौन कारक कर्ता अथवा कर्म कारक द्वारा क्रिया का आधार होता है, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण, आधारो अधिकरणम, सूत्र भी है इसके। प्रश्न संख्या 77 कहता है कि साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौणकर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा
तृतीया, बी ऑप्शन सही है 77 का। 78 कहता है कि देवाय किस विभक्ति का रूप है, देवाय देवाय कहाँ हो जाता है, तृतीया बहुवचन में, यानी इसका जो है सी ऑप्शन सही है, देवा देवौ देवा देवम देवौ देवाह देवेन देवाभ्याम देवाय तृतीया बहुवचन, 78 का सी ऑप्शन सही है। 79 कहता है कि एतत् एतत् शब्द का रूप कौन सा है, एतत् एतत् शब्द का रूप हो जाएगा क्या, एषः, यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही है। 80 कहता है कि कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है, कौन कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है, करण कारक, यानी 80 का डी ऑप्शन सही है। 81 कहता है कि कौन शब्द एक जैसा ही रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, कौन शब्द एक जैसा है उसका रूप जो है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, चाहे वह पुलिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा असमाद। 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, असमाद, यानी इसका जो है सी ऑप्शन सही है 81 का। 82 कह रहा है कि धातु कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आत्मनेपदी परस्मयी पदी और उभयपदी, तो मिला के कुल कितने हो गए, 3 ना, यानी 82 का जो है ए ऑप्शन सही है। 83 कहता है कि आसित किस लकार का रूप है, आसित था, और यह किस लकार का रूप है, लंग लाकार का, यानी 83 का जो है सी ऑप्शन सही है। 84 कहता है कि लिख धातु के लिट लाकार का रूप कौन सा है, लिट स्यति, और यहाँ क्या हो गया, लेखिष्यति, ये जो है यहाँ हो गया डी ऑप्शन इसका सही है, लेखिष्यति। प्रश्न संख्या 85 पर आ जाते हैं, कहता है कि यक्ष किस लकार का रूप है, यक्ष, 85 कहता है कि यक्ष किस लकार का रूप है, लोट लाकार का, मध्यम पुरुष एक वचन में यक्ष हो जाता है। 86 प्रश्न कहता है कि किस धातु का अर्थ करना है, करना, तो क्री धातु का अर्थ जो है करना है, यानी 86 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 87 कहता है कि पच धातु के लोट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन, ध्यान रखेंगे पच धातु है लोट लाकार, जहां तूतामंतु चलता है, उसके उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो चलता है ना तूतामंतु हितम त आने, और यहां आने कहां लगा है, पचाने, यानी 87 का बी ऑप्शन सही है। 88 कहता है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो किशोरी का पुलिंग क्या है, किशोर, और कौन सा स्त्री प्रत्यय लगता है, तो किशोरी बन जाता है इंगीप, किशोर धन इंगीप बराबर किशोरी बनता है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 89 में, और यह कहता है कि सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सेविका, यानी 89 का बी ऑप्शन सही है। 90 कह रहा है कि किस शब्द में इंगीस प्रत्यय है, इंगीस, इंगीस प्रत्यय किस में है, इंद्राणी में, इंद्रधन इंगीस क्या बन जाता है, इंद्राणी, इंद्रधन आनुक धन इंगीस हो जाता है इंद्राणी। और फिर 91 प्रश्न है हमारा कि कौन धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, कौन धातु के पूर्व लगकर यानी पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उपसर्ग, यह कहाँ लगता है, पहले लगता है। 92 प्रश्न है हमारा कि अनुवाद, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो ऐसे ही स्पष्ट है अनुवाद में उपसर्ग है अनु, बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 93 में, और कहता है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग है, प्रकार का है, 93 का जो है सी ऑप्शन सही है। 94 कहता है कि खादितवान में
कौन प्रत्यय है, तो खादितवान में प्रत्यय है कत्वतु। 95 कह रहा है कि किस प्रत्यय में पूर्वकालिक क्रिया बनती है, किस प्रत्यय के लगने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, तो पूर्वकालिक क्रिया बनती है कत्वा प्रत्यय के लगने से, जैसे खादित्वा पठित्वा, या नहीं खाकर पीकर जागकर सोकर। तो किस प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, कत्वा प्रत्यय से, यानी 95 का बी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए 96 में, कह रहा है कि पठ धन सत्री से कौन शब्द बनेगा, तो 96 का जो है सही उत्तर हो जाएगा पठान। पठ धातु में जब सत्री प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा पठान। प्रश्न संख्या 97 कहता है कि तुमुन प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, अव्यय, क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, यानी 97 का जो है बी ऑप्शन सही है। 98 कहता है कि सूत्रिका शब्द का अर्थ क्या है, सूत्रिका। 98 का सही उत्तर हो जाएगा सेवई, खाते हैं हम लोग ना मीठा लगता है, सूत्रिका शब्द का अर्थ क्या है, सेवई, आया है इद महोत्सव पाठ में। और प्रश्न संख्या 99 कहता है कि किस समास में सभी पदों का अर्थ प्रधान होता है, सभी पदों का अर्थ प्रधान कहाँ होता है, द्वंद्व में, यानी 99 का जो है डी ऑप्शन सही है। और अंतिम प्रश्न हमारा कहता है कि वर्ग अध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृतांत किसको सुनाया, वर्ग अध्यापक ने विवेक और धनंजय का वृतांत किसको सुनाया, प्राचार्य को, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे वार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत 2022 के प्रश्न पत्र को, 50 बनाना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव था और 100 का मैंने अध्ययन करा दिया नवम वर्ग और दसम वर्ग के छात्रों के लिए, जो अत्यंत उपयोगी है। और भी क्लास 9th और 10th से संबंधित व्याकरण और पुस्तक का पूरी तरह अध्ययन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। कोई समस्या समझ में आ रही है या कहीं कोई दिक्कत है संस्कृत विषय में, तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मैं आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।